कोविड लॉकडाउन के बाद ईद उल फितर के सिलसिले में बारामूला इको पार्क में काफी तादाद में बच्चे पहुंचे हैं, जिन्होंने यहां के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाया है और उनमें काफी जोश देखने को मिला है। इस पार्क में तफरी के मकसद से आए बच्चों ने कहा है कि 2 बरस के बाद इस पार्क में आकर वो काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो बहुत हम मतलब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि मतलब 2020 से लेकर 21 तक मतलब जो पार्क मतलब जो भी था वो सब कुछ बंद था, अब खुल गए, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। इधर आ रहा है तो मैं एक फ्रेंड के साथ भी आया हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम जाहिर है। तो हम बहुत टाइम के बाद आए क्योंकि 2020 से लेकर 21 तक लॉकडाउन जैसा ही था, तो मतलब कुछ खुलता ही नहीं था, तो ईद घर पर ही होती थी, तो आज खुल गया। अब बहुत आज बहुत मज़ा मेरी तरफ से अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद है इस ईद में हम सब अपने कर्म करें, खुदा हम सबको हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह से दुआ है कि ये ईद हर मुसलमान को रिज़्क में इज़ाफ़ा, सेहत तंदुरुस्ती, तरक्की, खुशहाली और अमन में सफाने का बायस न बने। अच्छा तो क्या क्या खेला आपने? मतलब झूला खेल रहे हैं, सब बच्चों को मैं भी खेल रही थी। मोहम्मद मूसा है, मेरी तरफ से सारों को ईद मुबारक। हम आए हैं यहाँ इको पार्क में, हमें बहुत मज़ा आया, यहाँ पर एंजॉय भी किया बहुत। 2 साल से बंद थी, 2018 से और 2019 से 2022 तक ये बंद थी, आज हमें बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। दूसरा लड़का बहुत मज़ा। मेरा नाम है अब्दुल हाजी खान, मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत मजा है इस पार्क में।